धरती को हरा भरा करने, किसानों को खेती के साथ पेड़ पौधों को लगाने के लिए ओरिएंट पेपर मिल व वन विभाग ने संयुक्त रूप से किसान संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान सम्मिलित हुए। उन्हें खेती के साथ साथ बांस व नीलगिरी लिप्टिस का पेड़ लगाकर अतिरिक्त पैसा कमाने के गुण सिखाए गए। संगोष्ठी के दौरान वन विभाग के अधिकारी की मौजूदगी में किसानों ने एक स्वर में वन विभाग कर्मचारी द्वारा जबरन परेशान कर पैसे की मांग करने का मुद्दा उठाया। शहडोल जिले के ग्राम हर्री में किसानों को खेती के साथ साथ पेड़ पौधे लगाकर अपनी आय बढ़ाने के लिए पेपर मिल द्वारा वन विभाग के साथ मिलकर एक किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अधिक संख्या में किसान सम्मिलित हुए। वन विभाग अधिकारी व कृषि विज्ञान के एक्सपर्ट्स ने खेती के साथ साथ बांस व नीलगिरी का पेड़ लगाकर अपने आय का साधन बनाने के लिए जागरूक। एक्सपर्ट्स ने जानकारी देते हुए बताया कि खेती के साथ साथ पेड़ पौधे लगाकर लाभ का धंधा बना सकते हैं। हर्री के सरपंच राजभान ने 30 एकड़ में नीलगिरी के पेड़ लगाए, जिससे उन्हें 30 से 40 लाख रुपए अर्जित किए। आज की कार्यक्रम ऊपर मिल पेपर मिल ओरिएंट पेपर मिल कंपनी के जो मैनेजर हैं, डीए हैं, वो करवाए हैं और जनता की यहाँ भीड़ भी है और किसान भाइयों को सबसे ज्यादा सुझाव और सलाह बताया गया है। आप क्या क्या फायदा मिला आपको? लिप्टिस लगाए थे, कितने का लगाए थे? लिप्टिस लगाए हैं हमारे बड़े भैया, पहले लगाए थे। कितने एकड़ में? लगभग 30 एकड़ की प्लाट में। उन्होंने 35 से 40 लाख की उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 3 फसल की कटिंग हुआ। ये हमारा पहला फसल है, इसमें अभी कटाई नहीं हो गया, लेकिन इस बार कटेगा। किसान संगोष्ठी कार्यक्रम के दौरान ही किसानों ने भरे मंच से अपनी सबसे बड़ी समस्या को मंच के माध्यम से बताया कि वन विभाग के कर्मचारी जबरन उन्हें परेशान कर पैसों की मांग करते हैं, जिससे किसानों को समस्या का सामना करना पड़ता है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान किसानों से वन कर्मियों द्वारा परेशान कर पैसों की मांग का मुद्दा गरमाया रहा। मेन उद्देश्य तो यही था कि यहाँ के जो लोकल किसान लोग हैं, उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट एंगेजमेंट करना है और उनको अवेयर करना है, उनको बताना, जागरूक करना है कि इसका आपका अपॉर्चुनिटी क्या है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जैसे मिल तो यहाँ 60-65 साल से है और यहाँ काफ़ी लकड़ा हम लोग का दूसरे स्टेट से आ रहा है, तो हमको ये लगता है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो लोकल किसान भाई बहन हैं उनको ये मौका मिलना चाहिए और उनको बिल्कुल मेहनत करने की उनकी इच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि क्या कर सकते हैं हम। तो हमको ये डायरेक्ट एंगेजमेंट शुरू करना था और उनको बताना था कि आप ये सब हम लोग क्या क्या उनको सुविधाएं देना चाहते हैं, दे सकते हैं, टेक्निकल जो सॉल्यूशंस चाहिए उनको समझ चाहिए कि भाई कौन सा क्रॉप कहाँ लगा सकते हैं, उसमें क्या चैलेंज आ सकता है, नहीं आ सकता है, हम वो सब चीज़ बताना चाहते हैं उनको। इसमें फार्मर को क्या एडवांटेज मिलेगा? सो फार्मर का, और हम लोग एक और चीज़ उनको ये बताना चाहते हैं कि जो उनकी बंजर ज़मीन है जहाँ वो कुछ नहीं उगा सकते हैं, ना कुछ उगा रहे हैं, वहाँ पे भी अगर ये उगा दे तो उनको ये एक कंटिन्यूस इनकम का साधन हो जाएगा। तो उनके हर एक बार अगर आप क्रॉप कर ले, एक डेढ़ साल उसका मेहनत करके ध्यान रखे, तो 15 से 20 साल तक उसका आप रिटर्न ले सकते हैं। तो ये फार्मर्स को एक पैरेलल इनकम हो सकती है, रिलायबल इनकम हो सकती है, क्योंकि उनका बायर्स जो है वो यहीं पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, तो हमारी मिल में आप लोग डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं, तो फार्मर को डायरेक्ट उनका बेनिफिट मिल सकता है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।